गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्री सर्कल चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज 3.5. बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 3.5, देर आर थ्री थियोरम्स. फर्स्ट वन इज थियोरम ऑफ इंटीरियर इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड. इंटरनल division of chords. The second one is theorem of external division of chords. And the last one is tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem. Okay, इसमें क्या करना है, I let you know. Suppose one circle is there, internal division क्या होता है, दो chords जा रहे हैं अंदर की तरफ से interior. Okay, ये O है, E P, Q, R and S, ये नाम दिए हुए हैं. ये क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल सा इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है, PE मल्टीप्लाई बाय ER. PE मल्टीप्लाई होता है ER से, इक्वल QE मल्टीप्लाई बाय ES. ओके, ये है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. ये फर्स्ट वाले थ्योरम के लिए होता है. सेकेंड के लिए सपोज एक ट्राइंगल दिया, सर्कल दिया हुआ है, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल है, तो मतलब जो लाइन है ना वो एक्सटर्नल की तरफ गई होती है. ओके, ऐसा यहाँ पे समझो ई नाम दिया हुआ है, ये बी, ये डी, ए एंड सी. इसमें क्या होता है ना एक्सटर्नल की तरफ, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ई इज इक्वल सी डी मल्टीप्लाई बाय डी ई. ओके, ये ऐसा बनता है, ये होता है समझो सेकेंड वन के. अभी थर्ड वन के लिए क्या है, समझो एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें क्या होता है टेंजेंट. टेंजेंट नाम आया है तो ही हम लोग को समझ में आता है कि एक यहाँ से टेंजेंट गया होगा. ओके, सीकेंट सेगमेंट थियरम, और एक जो है कॉर्ड गया होगा. ओके, कॉर्ड समझो, इसको नाम देते हैं ई, ए, ये जो टच हो रहा है इसको टी, ये होता है बी. ये क्या बनता है कि जो ई ए है, ये जो टेंजेंट होता है ना, ये ई टी का स्क्वायर होता है ई ए इंटू ई बी. ई ए इंटू ई बी, ये होता है टेंजेंट का स्क्वायर. ये होता है थर्ड वाले के. तो ये तीनों जो है तुम लोग को एकदम अच्छे से लर्न करना है. राइट इन योर नोटबुक दिस थ्री थियरम्स वन वन टाइम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू. मतलब एक फिगर है इन फिगर रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, मतलब ये टेंजेंट है रे पी क्यू. ओके, समझिए पी है, टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू. पी क्यू जो है 12 दिया हुआ है, पी आर इज 8, फाइंड पी एस एंड आर एस. अब इसके अंदर मुझे एक मिनट, गिवन है कितना है 12 दिया हुआ है ऑलरेडी. पी आर मीन्स ये आर हम लोग दिया हुआ है इज 8, पी एस ये एस पकड़ लेंगे, पी एस एंड आर एस वी हैव टू फाइंडिंग आउट. या हम लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि इफ पी क्यू इज टेंजेंट इज गिवन देन द पी एस इज ऑलवेज गिवन एज कॉर्ड ओनली. ओके, सो गिवन तुम लोगों को लिखना है उसमें. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन डायरेक्टली.
अरे पी क्यू इज अ टेंजेंट सर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेंजेंट सीकेंस सेगमेंट थ्योरम का फॉर्मूला गिवन था उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, पहले वो लिखेंगे रे पी क्यू इज टेंजेंट टचिंग द सर्कल, रे पी क्यू इज टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड लाइन पी आर एस, ये पी आर एस की जो लाइन है, एंड लाइन पी आर एस इज सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल, इज सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट आर एन एस, एट पॉइंट आर एन एस। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, जो पहलों का फॉर्मूला था पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी आर इंटू आर एस, पी आर इंटू पी एस, और लिखेंगे बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 12 इज गिवन, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल 8 पी आर दिया है, पी एस हम लोग को फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 इंटू 12 हो गया ना, 12 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई आप आके डिवाइड हो जाएगा, पी एस ऐसे ही रहेगा। तो क्या करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा, फिर ये 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, पी एस आ गया हमारे पास 18। अब क्या करेंगे हम लोग को, पी आर एस से करेंगे, पी एस इज इक्वल पी आर प्लस एस आर। अब पी एस हम लोग का आ गया 18, पी आर हम लोग को दिया हुआ था 8 प्लस एस आर। अब क्या करेंगे, 18 माइनस 8 और ये एस आर ऐसे ही रखेंगे, हो गया 10, कितना आया एस आर 10 आ गया, दोनों भी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, फाइंड आउट कर देना। थर्ड क्वेश्चन विल स्टार्ट, जीरो इज, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, एंड बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जहां पे सर्कल पे पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी, मतलब एक जो है यहां से कॉर्ड जाएगा ए डी का, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ई पे, आई बात समझ में। सो ए बी इज 12 और ये जो अब ये ए यहाँ से मिल गया ना हमको, तो हम लोग को ये क्या है, ये ए बी 12 है हम लोग का, ओके, ए सी ये सी दे देंगे 8 है, ये 12 है, फाइंड करना है हम लोग को ए डी डी सी और डी ई। ओके, सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, लेट पॉइंट बी, लाइन ए सी डी सेकंड इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑफ सी एंड डी, जैसे ये लाइंस लिखे थे ना हम लोग, सिमिलर यहां पर लाइन बनेगी और सेम बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम वाला लेंगे हम लोग, बाय tangent secant segment theorem देंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी इंटू ए डी। ओके, अब ए बी हम लोग को 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर ए सी 8 दिया हुआ है और ये ए डी, तो 12 इंटू 12, ये 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ए डी ऐसे ही रहेगा, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, ए डी इज इक्वल 18। यानी हम लोग को जो ए डी फाइंड आउट करना था फर्स्ट वाला, वो हम लोग का आ गया। अभी सेम ए सी डी जैसे ये वाला किए थे ना, वैसा ही करेंगे, ए सी
डी का लेके, ए डी इज इक्वल ए सी प्लस सी डी। अभी ए डी 18 आ गया हमारे पास, ए सी जो है हम लोग को 8 दिया हुआ है, सी डी वी हैव टू फाइंड। तो 18 माइनस 8 सी डी ऐसी रहेगा, सी डी कितना आ जाएगा 10, यानी जो हम लोग को सी डी फाइंड आउट करना था वो भी आ चुका है। अभी नाउ गिवन क्या है हम लोग को कि सेगमेंट ओ ई, ये सेगमेंट ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पे, ये क्या है हम लोग को गिवन है। ओके अभी ये गिवन होने की वजह से क्या हो गया, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बायसेक्ट कर रहा है ना वो, इसको क्या कर रहा है दो हिस्सों में बांट रहा है। तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड bisect the chord, okay, means DE क्या है half of CD to 2 5s are 10, तो DE कितना आ गया 5 cm, done। question in figure if PQ is 6, if सर्कल दिया हुआ है, सेंटर इज ओ इज 10, पी एस इज 8, मीन्स वैसे ही सेम बना हुआ रहेगा, कॉर्ड गया है ओके और ये दिया हुआ है अंदर की तरफ से ऐसा गया है पी एस टी आर क्यू ओके। यहाँ पे हम लोगों को PS फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करेंगे PQ और QR दोनों दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट PR, PR मालूम करने के लिए क्या करेंगे PR इज इक्वल PQ प्लस QR, PQ PQ दिया हुआ है हम लोग को 6 + 10 आ गया 16 cm, PR आ गया हमारे पास। अभी कॉर्ड ST क्या है एंड कॉर्ड QR इंटरसेक्ट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, तो मतलब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हो गया, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड रहेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, मतलब पी एस इंटू पी टी, पी एस इंटू पी टी इज इक्वल पी क्यू इंटू पी आर। अभी पी एस तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 8, पी टी वी हैव टू फाइंड आउट क्योंकि पी टी तो दिया नहीं है हम लोग के पास पूरा, पी क्यू 6 है और पी आर हम लोग ने मालूम किया 16 है। अब क्या करेंगे पी टी को यहाँ पे रखेंगे 6 × 16 / 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, पी टी 6 × 2 = 12, यहाँ पे पी टी आ गया हमारे पास 12 cm। अब क्या करेंगे सेम इसकी जैसा पी एस प्लस एस टी इज इक्वल पी टी, पी एस टी। अब पी एस हम लोग के पास दिया हुआ था हम लोग को पी एस 8 प्लस टी एस वी हैव टू फाइंड आउट, पी टी आया 12, टी एस इज इक्वल 12 - 8 कितना आया 4 cm, अब टी एस आ गया हमारे पास 4। Similarly, the fifth question you have to solve on your own. Now, in next video, we'll start with next chapter. Thank you.